My name is Saitul Hassan from the University of Azad Jammu and Kashmir from Department of Art and Design. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम कश्मीर में क्वेश्चन मेरा ये कि देर आर रूमर्स अबाउट पोटेंशियल चेंज इन द स्टेटस ऑफ कश्मीर जैसे 2019 में इंडिया ने किया और जैसे अभी तरमीम भी स्टार्ट हुई और सब हुआ और कुछ बैंक्स हैं और कुछ डिलीवरीज आती हैं उस पर भी लिखा हुआ था मुजफ्फराबाद के पी के या मुजफ्फराबाद पिशावर तो मुझे आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान जो खुद को सबसे बड़ा हमारा आज़ादी का हिमायती कहता है क्या वो भी आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर को अपने साथ जम करना चाह रहा है क्योंकि हमारा तो यही है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा कश्मीर से बाहर निकलेगा अफवाहें जो हैं वो दुश्मन फैलाता है वो मुखालिफ फैलाता है वो दोस्त नहीं फैलाता वो यही चाहता है कि मेरे और आपके बीच में इन अफवाहों की बुनियाद पे इस तरह की गलतफहमियां पैदा हों कि आप मेरी नीयत पे शक करें और मैं आपकी नीयत पे शक करूं और हमारा काम ये है कि उनको एड्रेस करते हुए इन अफवाहों को और उससे जन्म देने वाले जो मनफी जज्बात हैं उन दोनों का मुकाबला करें ये उस पूरी जदोजहद का हिस्सा है ये उस पूरे जहाद का हिस्सा है ये उस पूरी काविश का हिस्सा है कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता पाकिस्तान में इस किस्म के अहमकाना एकदम की Nobody can dare, no one can dare. हमारी आपके साथ एक प्रिंसिपल्ड उसूली जर्नी है और उसकी रियलाइजेशन के पीछे 90,000 से जायद लोगों का खून है ये इस कोजी एनवायरनमेंट में मेरे और आपकी गुफ्तगू का नतीजा नहीं है कश्मीर की तहरीक कश्मीर की तहरीक में जम्मू के शहदा से लेके शहीद वानी तक की एक बहुत लंबी कहानी है फिर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से 3 लड़ाइयाँ हम अल्लाह के फजल से लड़ चुके हैं हारे हैं जीते हैं डजंट मैटर हम लड़े हैं और हम हर किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं क्या ये जंगे हम इसलिए लड़ रहे हैं कि कश्मीर को केपी बना दें बलूचिस्तान बना दें मतलब ये तो बहुत ही बजगाना किस्म की सोच होगी एक ऐसे नुक्ते की बुनियाद पे जहाँ पे हम पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी आलमी बरादरी में एक केस लेके चल रहे हैं वही काम हम करेंगे ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कश्मीर का सिर्फ और सिर्फ एक हल है कश्मीरियों से पूछना आप हिंदुस्तान जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके तहत आपसे यही सवाल होना था कि क्या आप हिंदुस्तान के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ बस उसी के तहत इंडियन यूनियन एक लीगल एंटिटी के तौर पे उभरी है और पाकिस्तान भी उभरी है यही तो जंग है सारी की सारी कि वो शनाख्त के तौर पे कहते हैं कि ये इंडियन है 370 हटा के उसने क्या किया है कि ये आइडेंटिटी इंडियन की है सैयद अली गलानी साहब ने कहा नहीं मैं नहीं हूं इंडियन शबीर शाह साहब क्या कह रहे हैं नहीं मैं नहीं हूं हिंदुस्तानी क्या हूं इसका जवाब चाहिए इस जवाब के जो तरीकाकार है पता लगाना है वो प्लेबिसाइट है यही फ्यूचर कोर्स है यही पाथवे है पाकिस्तान इसके साथ कमिटेड है हम रत्ती बराबर इस पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे ये कश्मीरियों की रूह की आवाज़ है और हम उस रूह की सदा को लेके जगह जगह जाएंगे थैंक यू